नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विश्व हिंदू परिषद जिला पलवल और अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल एकता परिषद के संयुक्त तत्वाधान में कमेटी चौक स्थित पलवल के श्यामा कुंज में शस्त्र पूजन, वैश्य समाजवाद के प्रेरणा स्रोत महाराजा अग्रसेन की जयंती और हिंदुत्व के पुरोधा विश्व हिंदू परिषद के 20 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल की जन्म जयंती पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने हवन यज्ञ किया। इसमें मुख्य वक्ता शिक्षाविद महेंद्र शास्त्री अध्यक्षता, जिला अध्यक्ष धीरज मंगला और अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निकुंज गर्ग ने की। हवन में डॉक्टर बैजनाथ गर्ग मुख्य यजमान की भूमिका में रहे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता महेंद्र शास्त्री ने महाराजा अग्रसेन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महाराजा अग्रसेन समाजवाद के सच्चे अग्रदूत थे। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन एक महान पुरुष थे। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ में दी जाने वाली पशु बलि से आहत होकर महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में पशु बलि पर पाबंदी लगा दी थी। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन के समाजवाद का सिद्धांत द्वापर युग से ही समाज को प्रेरित करता रहा है। वैश्य अग्रवाल एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निकुंज गर्ग ने अशोक सिंघल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूजनीय अशोक सिंघल हिंदुत्व के पुरोधा थे। उन्होंने कहा कि आज जो श्री राम मंदिर निर्माण कार्य हो पा रहा है वो पूजनीय अशोक सिंघल जैसे महापुरुषों के बलिदान का ही फल है। पलवल से हमारे संवाददाता निकुंज गर्ग की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।